नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं, मैं अवधेश। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जमीन पर उतरकर काम में जुटे हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले रुकने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने ऐसे ही एक मामले में जिले के डीएम को फटकार लगाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में बैठक ली और इस दौरान सीएमओ पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के डीएम को भी फटकार लगाई। संक्रमण पर नोएडा के डीएम को फटकार लगी, कई सवाल मुख्यमंत्री ने पूछे जिनका सही जवाब डीएम नहीं दे पाए। दरअसल सीज फायर कंपनी में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव लोगों का मामला सामने आया, एक के बाद एक 31 लोगों में संक्रमण फैल गया और इसी बात को लेकर सीएम ने सवाल पूछा कि जब एक कंपनी से मामला सामने आया तो लोगों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई, मामले लगातार बढ़ते गए, आपका जो सेंटर है वो कहाँ है, क्या कर रहा है। और इसी पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई है और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनवाते हैं आपको। तो साहब उनके कांटेक्ट में जो जो लोग आए थे और व्यक्ति जहाँ जहाँ गया था वहाँ वहाँ पर सूचनाएं जानी चाहिए थी, वास्तव नहीं जा पाई। इसी बात को लेकर नाराजगी जाहिर की और नोएडा के मामले पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को सीएम योगी के निर्देश हैं कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाएं और उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सख्ती का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी हर स्तर पर सभी विभागों के लिए कर रहे हैं। अभी अभी मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने निर्देश दिया कि लॉकडाउन का 100% पालन हो, अब कहीं भी कोई कोताही ना हो, कार्रवाई भी होगी, ये निर्देश उन्होंने दे दिया। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री ने पहले फटकार लगाई गौतम बुद्ध नगर के डीएम को और उसके बाद उसके थोड़ी देर के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से बात हुई मुख्यमंत्री की। उसमें उन्होंने निर्देश दिए साफ तौर से कि जिलाधिकारियों को साफ कर दिया जाए कि लॉकडाउन से अगर कड़ाई से पालन लॉकडाउन का नहीं होता तो कार्रवाई होगी। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कार्रवाई का सिलसिला आज से ही देखने को मिल भी सकता है और इसका आगाज नोएडा से हो भी सकता है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर नोएडा के डीएम को फटकार लगाई, आज उन्होंने समीक्षा की, कल आगरा मेरठ गाजियाबाद मुख्यमंत्री जाएंगे। और कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद अब उन जिलों में उतर रहे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण सबसे ज्यादा आए, इसको लेकर क्या कुछ कवायद चल रही है, नोएडा से हमारे साथ बलराम जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ अनुभव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। बलराम, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आज से जिस तरीके से मुख्यमंत्री जमीन पर उतरे हैं, नोएडा में जो बैठक हुई, क्या क्या बातें वहां पर हुई, किस किस को फटकार पड़ी और नए निर्देश क्या हैं? देखिए अवधेश, लगातार मुख्यमंत्री जी कोरोना वायरस को लेकर के सभी जिलाधिकारियों को गाइडलाइन उन्होंने जारी की थी और आज जब उन्होंने गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी पहुंच करके जब अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, सभी स्वास्थ्य विभाग को ये अलर्ट जारी कर दिया था कि वो कोरोना वायरस को लेकर के अलर्ट रहे, अपने जिलों में खास तौर से सावधानी बरतें और इस महामारी से निपटने के लिए सभी वो कदम उठाएं जो उचित हो जी। इसी पर लेकर के उन्होंने साफ तौर से सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग से पूछा, जो सीएमओ थे उनसे पूछा कि आपने अब तक क्या तैयारी की है, कहां कहां आपके कैंप लगे हैं, कहां कहां आपने नए वार्ड तैयार किए हैं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने आपके कोरोना आइसोलेशन वार्ड तैयार हुए हैं, इस पर भी उन्होंने समीक्षा की और ये भी पूछा कि आपकी तैयारी क्या है, अगर आपके स्वास्थ्य महकमे ने अब तक किया क्या है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि आखिरकार एक कंपनी ने इस पूरे जिले में जिस तरीके से कोरोना वायरस की महामारी फैलाई है
उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने और जिला अधिकारी ने अब तक किया क्या है? वो व्यक्ति अगर जहां जहां गया है तो वहां पर सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग और जिला अधिकारी ने क्यों नहीं दी? वहां पर एहतियात बरतने की गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की गई? उस कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतना लेट क्यों किया गया? अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने FIR दर्ज कराई है तो वो पहले क्यों नहीं कराई? बिल्कुल, ये तमाम सवाल थे और शायद इन्हीं सवालों के जवाब से संतुष्ट अब नहीं हुए। बलराम हमारे साथ आप बने रहिए, अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, एक तरफ तो मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई और फटकार से स्पष्ट पता चलता है कि गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के कार्यशैली से वो खुश एकदम नहीं है, और उसके बाद जो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बात कही कि उनकी मुख्यमंत्री जिससे थोड़ी देर पहले बात हुई और निर्देश उनके तरफ से ये हैं कि सभी जिलाधिकारियों को कह दें कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होना है वरना कार्रवाई होगी, क्या ये जो दोनों बातें हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि कार्रवाई का खाका खींचा जा रहा है और उसकी तस्वीर जल्द सामने आ सकती है? देखिए अवधेश, ये जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पहुंचे नोएडा और वो समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे कि COVID-19 से बचने के लिए, लड़ने के लिए आखिर जिला प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि बार बार हर दिन खुद मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बावजूद नोएडा की क्या स्थिति है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर केसेज उत्तर प्रदेश में आए तो वो नोएडा में आए हैं, कुल 36 मामले आए हैं, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 31 मामले सीज फायर कंपनी में जो लोग हैं उन्हीं से जुड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर पहले मुख्यमंत्री ने जब सीएमओ से पूछा कि आपकी क्या तैयारियां हैं, तो सीएमओ अपनी तरफ से सारी चीजें बता रहे थे कि क्या कुछ किया और बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप चुप बैठिए, आपको कुछ नहीं पता, आपने कुछ नहीं किया। फिर जब जिलाधिकारी से पूछा तो जिलाधिकारी भी अपनी तरफ से बात रख रहे थे, लेकिन उस पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और ये कहा कि अगर इतना काम आपने किया तो ये सीज फायर कंपनी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब ये कैसे पता चलेगा कि वो 31 लोग किन किन लोगों से मिले, वो कितना बड़ा खतरा है, ये इस बात का अंदाजा नहीं है आपको? इस बात को लेकर उन्होंने फटकार लगाई और जो वो बैठक उन्होंने की वहां पर समीक्षा बैठक, उसके बाद चूंकि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान आप सोचिए उसी दौरान फोन आता है, मुख्यमंत्री की बात होती है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो उठ कर जाते हैं बात करने के लिए, वो बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ने अब ये उस बैठक के बाद निर्देश दे दिया है अपर मुख्य सचिव गृह को, एक आदेश उनकी तरफ से आज जारी हो सकता है देर रात तक। सभी जिलों में जो DM है, जो SSP है, उनके लिए ये कड़ा मैसेज होगा, कड़ा निर्देश होगा कि अब किसी भी जिले में लॉकडाउन में कहीं कोई कोताही ना बरती जाए। लॉकडाउन का मतलब फुल लॉकडाउन होगा, कहीं भी आवागमन नहीं होगा, पैदल कोई नहीं चलेगा। जब हमने इसको लेकर सवाल पूछा अवनीश अवस्थी से, हमने पूछा कि जिन जिलों में अगर लॉकडाउन टूटता हुआ नजर आएगा या फिर उसका उल्लंघन होगा तो क्या अफसरों पर भी कार्रवाई होगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इसका उदाहरण, इसके जो संकेत हैं वो आज से ही मिल सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री अब मेरठ, आगरा और गाजियाबाद में रहेंगे, तो उन जिलाधिकारियों को वहां के जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं उनको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री काफी नाराज थे नोएडा में और हो सकता है अगर तैयारी करके अफसर नहीं आएंगे। 4,000 से ज्यादा बैरियर्स बनाए गए हैं, गेट बनाए गए हैं, उसके बाद अगर 1.5 लाख के आसपास, मतलब 1,30,000 वाहन पकड़े जाएं, तो ये तो साफ पता चलता है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं हो पाया। बलराम भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, जिस तरीके से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी बैठे थे अपर मुख्य सचिव गृह के साथ, उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर एक से ज़्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के आते हैं तो 3 किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट किया जाता है, वहाँ पर एक एक घर की और एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग होती है, क्या ये प्रोसेस नोएडा में फॉलो हो पाया? क्योंकि 31 लोग एक के बाद एक हो गए, कार्रवाई कंपनी पर हो नहीं पाई, तो फिर तो क्या माना जाए कि कंटेनमेंट भी इन्हें 3 किलोमीटर के दायरे में किया होगा, इन्हें तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन कहां पर है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की है और जिस तरीके से खासतौर से जिलाधिकारी को फटकार लगाई है और उनसे साफ तौर से कहा कि एक के बाद एक लगातार नोएडा में कोरोना वायरस के मामले सामने आते गए और आप लोगों ने अब तक किया क्या है,
इस पर जब जिलाधिकारी ने अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप अपनी बकवास को बंद करिए। यानी अगर मुख्यमंत्री एक जिलाधिकारी को कह रहे हैं तो आप यही से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने नाराज होंगे यहाँ की कार्यप्रणाली से। और यही वजह रही है कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप लोगों ने अब तक कुछ नहीं किया है और जो हमने अब तक बैठक में आप लोगों से पूछताछ की है और जो चीजें जानकारी में हमारे आई हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारी दोनों नाकारा साबित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से ये साफ जाहिर कर दिया कि आप लोगों ने काम नहीं किया। अब आपने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट पाए जाए वहां 3 किलोमीटर तक की जो कहा जाए कि नाकेबंदी एक तरीके से की जाए, सीलिंग की जाए कि कोई बाहर ना जाए कोई अंदर ना आए, तो ये भी नोएडा में नहीं देखने को मिला है। जिस सोसाइटी में हुआ 24 घंटे 48 घंटे के लिए वो सील की गई, लेकिन फिर भी लोग एक्का दुक्का लोग उस सोसाइटी में जाते भी रहे और लोग आते भी रहे। तो कहीं ना कहीं जो कड़ाई होनी चाहिए थी, जो कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराना चाहिए था, जो जिस कड़ाई से कहा जाए कि कोरोना वायरस से जो संक्रमित एरिया था उसको सील करना था, वो कहीं ना कहीं जो कड़ाई थी वो नजरअंदाज की गई। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री काफी ज्यादा नाराज थे और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि प्रदेश के सारे जिला अधिकारी अब ऑनलाइन होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे और जनता की कोई बिल्कुल जनता की कोई भी समस्या होगी वो एड्रेस करेंगे, फोन भी उठाएंगे और हर तरीके से संपर्क बना रहेगा। अनुभव एक सवाल और भी है, अपर मुख्य सचिव गृह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि सामान जरूरी हो या फिर गैर जरूरी हो उनका मूवमेंट किसी भी स्तर पर उसमें बाधा नहीं होगी, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपना काम आगे बढ़ा सकती हैं, उनको पासेस दिए जाएंगे। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पासेस का गलत फायदा उठाते हैं, हरिद्वार से एक तस्वीर सामने आई। अब इस स्थिति में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि जो जरूरी चीजें हैं उनका मूवमेंट बना रहे लेकिन उसकी आड़ में कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। देखिए बिल्कुल ये भी शिकायतें मिली हैं प्रशासन को और लखनऊ में भी ये शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग पासवर्ड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम से निकल रहे हैं और वो दूसरा बहाना बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब ये कहा गया है कि जो भी इन पासवर्ड्स का दुरुपयोग करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। यानी अगर आपके पास पास है तो बिना वैलिड रीजन के आप निकल भी नहीं सकते, और अगर आप केवल पास दिखा के उसके बहाने से आप किसी और काम से निकलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात कही है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ कहा कि चूंकि अभी जो है वो अब 1-2-3 तारीख आने वाली है और लोगों को चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो प्राइवेट कर्मचारी हो सभी के अकाउंट में सैलरी आनी है, इसलिए जो बैंकिंग सर्विसेज है उसका जो समय अभी 2 बजे तक है वो शाम 4 बजे तक होगा और इसके लिए भी एक आदेश आज जारी कर दिया जाएगा ताकि जो बैंक के कर्मचारी हैं बैंकिंग सेवाओं से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पुलिस वाले परेशान ना करें। उन्होंने खुद कहा कि पुलिस को एक आदेश आज जारी कर दिया जाएगा कि अगर कोई बैंकिंग सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जाता है तो पुलिस उसको सहयोग करे, उसको जाने दे और उसके लिए सभी जिलों को आज आदेश जो है वो भेज दिया जाएगा। तो एक तरफ तो सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो जरूरी सुविधाएं हैं चाहे वो दवाएं हो चाहे वो दूध हो, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दूध जो है वो लगातार अब उसकी जो उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है, पहले वो 11 लाख लीटर था फिर और बढ़ गया। इस तरह से आज फिर उन्होंने आंकड़े दिए कि कैसे वो लोगों तक आवश्यक वस्तुएं जो है वो पहुंचा रहे हैं और ये हम तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जिलों में सभी जगहों पर नंबर दे दिए गए हैं, आप घर बैठिए अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप सामान मंगा लीजिए। लखनऊ में ये व्यवस्था है, हालांकि कुछ कंप्लेन भी आई थी लेकिन अब उन कंप्लेन्स को भी रिजॉल्व कर लिया गया। सरकार की कोशिश ये है कि कहीं पर भी लॉकडाउन की अवहेलना ना होने पाए, लेकिन जो 3 दिनों की तस्वीर आई अवधेश दिल्ली बॉर्डर से जो लोग आए अलग अलग जिलों से जो लोग जा रहे थे उस तस्वीर ने काफी चिंतित किया खुद मुख्यमंत्री को, और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने सारी चीजों की मॉनिटरिंग खुद अपने पास रखी। टीम 11 भले ही बनाई है लेकिन उसकी भी हर दिन समीक्षा करते, आज जब नोएडा जा रहे थे उससे पहले भी बुलाया, उसकी मीटिंग की, उसमें तमाम निर्देश दिए। तो कोशिश यही है कि कहीं किसी को अब दिक्कत ना होने पाए, लेकिन यह जरूर है कि लॉकडाउन को जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे अब बिल्कुल कड़ाई से उसे
बिल्कुल कड़ाई से पालन करने को कहा गया, लेकिन अब जब समीक्षा की शुरुआत नोएडा से हो गई है तो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जब बैठक चल रही थी और मुख्यमंत्री एकदम से नाराज हो गए, सीएमओ को भी फटकार पड़ी, जिलाधिकारी को भी फटकार पड़ी। बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहां पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहां पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहां पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहां पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। बकवास मत बंद करो अपना, तो देखिए ये तस्वीर है और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बैठक के, जिसमें बेहद सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को फटकार लगाई और साफ तौर से कह दिया कि अपनी बकवास बंद करो, बकवास कर करके ही आप लोगों ने माहौल खराब कर दिया। 2 महीने पहले एडवाइजरी जारी की गई थी लेकिन उस पर काम नहीं हुआ और अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार हमारे साथ लखनऊ से अनुभव और नोएडा से बलराम बने हुए हैं। बलराम, जो तस्वीर है और जो मुख्यमंत्री के तेवर हैं साफ बता रहे हैं कि उन्हें पहले ही इस पूरे मामले की जानकारी थी, पूरी समीक्षा करके आए थे कि क्या क्या कमियां नोएडा के प्रशासन ने छोड़ी है, इसीलिए उन्होंने कुछ ज्यादा सुनना बेहतर नहीं समझा, साफ तौर से बोल दिया डीएम को कि आपके इस बकवास ने ही माहौल खराब कर दिया और सबसे ज्यादा मामले नोएडा में है। बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी वहां पे आए और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उतरते ही हेलीकॉप्टर से नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो काफी गुस्से में हैं, और जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर से आंकड़े सामने आ रहे थे उसको लेकर के वो काफी चिंतित थे। और जब वो बैठक में बैठे तो ऐसा लगा कि उन्होंने पहले से ही पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है कि बैठक में उन्हें किन सवालों का जवाब अधिकारियों से लेना होगा। यही वजह रही कि उन्होंने सिर्फ 4 बिंदु उठाए। पहला, जो गरीब मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आए थे उसके बाद वो पलायन कर रहे हैं तो उनके लिए आपने क्या किया। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने क्या तैयारी की। जिला प्रशासन से ये पूछा कि आखिरकार एक कंपनी से 31 लोग इफेक्टेड हुए, उसको लेकर के आप लोगों ने जन सूचना जारी क्यों नहीं की कि वो लोग जहां जा गए वहां प्रशासन ने सूचना जारी क्यों नहीं की, और कार्रवाई में इतना लेट लतीफ क्यों हुआ। और उसके बाद उन्होंने चौथी बात ये पूछी कि आखिरकार अब तक जब 2 महीने पहले पूरे प्रदेश में हमने हाई अलर्ट कर दिया था और सबको आगाह कर दिया था कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाए और सरकार और प्रशासन मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जनता का सहयोग लेंगे इसमें, तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाए। बिल्कुल, और शायद यही वो सवाल थे जिनके जवाब नोएडा के डीएम या गौतम बुद्ध नगर के डीएम दे नहीं पाए। अनुभव, जब बयान सामने आता है, बयान सामने आया तो उससे चीजें समझ में आई कि मुख्यमंत्री नाराज हैं, लेकिन जो बात मुख्यमंत्री ने कही जब टोन और बॉडी लैंग्वेज पर जाते हैं तब समझ में आता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा उनका प्रशासनिक लापरवाही को लेकर है।
अब इसके बाद तस्वीर कितनी बदले, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अपर मुख्य सचिव गृह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी दौरान मुख्यमंत्री का फोन आता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि अब कोई लापरवाही बरतेगा तो कार्रवाई होगी, उसकी शुरुआत आज से ही होने जा रही है। मतलब अब कहीं पर भी कोई कोताही या गुंजाइश नहीं है, ठीक से काम किया तो ठीक, वरना यही तस्वीर कल मेरठ, आगरा और गाजियाबाद में भी दिखने वाली है। देखिए बिल्कुल अवधेश, हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब मेरठ, गाजियाबाद और आगरा के अफसरों को भी सावधान हो जाना चाहिए और पूरे होमवर्क के साथ कल की बैठक में मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि नोएडा में वही कमी जो डीएम ने दिखाई, जो सीएमओ ने दिखाई, मुख्यमंत्री तो सारी चीज़ों को यहाँ से जान कर गए थे, उनके पास तो सारी डिटेलिंग थी, उनके पास तो हर एक एक चीज़ थी कि कितने सेंटर बने हैं, क्या हुआ है और किस तरीके से लापरवाही बरती गई है जिला प्रशासन की तरफ से। एक और जो महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री ने आज दिया था जब अपनी टीम 11 की बैठक कर रहे थे, ये कहा है मुख्य सचिव को कि वो पूरे प्रदेश में जितने भी ये केंद्र बनाए जा रहे हैं जहां लोग बाहर से आएंगे, जिन्हें रखा जाएगा या क्वारंटाइन किया जाएगा, पूरे प्रदेश में हर ज़िले में कितने कितने सेंटर अब तक बन चुके हैं उसकी डिटेलिंग मांगी है। चीफ सेक्रेटरी उसमें है, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी उसमें है और आज रात तक सभी जिलों के जिलाधिकारियों को वो रिपोर्ट भेज देनी है, रिपोर्ट भेजनी है, उनके यहाँ कितने ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। नोएडा की कितनी है वो भी एक बार समझते हैं। दरअसल नोएडा की सीज फायर कंपनी के मालिक इटली से लौटे थे, इसके संपर्क में आकर बुलंदशहर का अतुल शर्मा नाम का एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। प्रशासन ने उस अस्पताल में उसे भर्ती करवाया, अतुल शर्मा के परिवार के 8 सदस्यों को भी क्वारंटाइन किया गया, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव अतुल शर्मा के गांव वीरखेड़ा में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है और इसे देखते हुए 3 किलोमीटर के दायरे में बसे पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है और गांव के हर शख्स की जांच की जा रही है। दरअसल अतुल शर्मा नाम का युवक नोएडा की उसी सीज फायर कंपनी में काम करता था जिसका मालिक इटली से लौटा था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कितनी बड़ी लापरवाही हुई। और बुलंदशहर संवाददाता अनुभव भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, अगर हम बात करें इस गांव की तो वहां पर स्थितियां क्या हैं, लोगों को किस तरीके से सैनिटाइज किया गया, क्या वहां पर आशंका है संक्रमण की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में ये पहला मामला निकल कर आ रहा है जो इस बार कंपनी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो वर्कर है वो वहीं काम करता था और लगातार जो वो वर्कर है मालिक के टच में था, जिसको लेकर प्रशासन ने अभी फिलहाल तो उस अस्पताल भिजवा दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि इसके परिवार के 8 सदस्य उनको भी अस्पताल भेजा गया है, उनको क्वारंटाइन किया गया है और पूरा जो एरिया है 3 किलोमीटर के गांव के आसपास का उसको सीज कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है। गांव में दहशत का माहौल है लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद जिसमें दिखाई दे रहा है, कोई भी कोताही नहीं बरतने चाह रहा है प्रशासन, क्योंकि आपको बता दूं कि पहला मामला निकल के आया है बुलंदशहर से, वो भी चीज़ पाई कंपनी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो और लोग थे उनको निगरानी में रखा हुआ है, लेकिन इसको वीरखेड़ा पूरा जो गांव है जहां से ये पॉजिटिव मामला निकल के आया है इसको पूरी तरह से फिलहाल सीज कर दिया गया है और लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। आपको बता दें कि घर घर जाकर यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है और इस निगरानी की जरूरत भी है। शुक्रिया अनुभव जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। बलराम आपका भी शुक्रिया और अभिनव आपका भी शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और नोएडा में प्रशासनिक अमले को जमकर फटकार लगी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए बीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुब आपकी। कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है। यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें।